और बताइए। और ठीक है, और बताएं आप लोग किधर काम कर रहे हैं अभी इंडिया में? अहमदाबाद गुजरात। अच्छा, अहमदाबाद में। ये मेट्रो का काम है का, अपना श्री वाला जो है ना, इसी का डायरेक्शन का काम है, देख रहे पीछे में जो। अच्छा, तो कितने टन का क्रेन है ये? तो अभी 14 टन का है। चलिए ठीक है, ये वाला देख रहे एसी का है, 14 टन वाला। जी जैसे कि देखिए, दो बार हम गए बाहर, जैसे सऊदी में भी काम किए, उधर सेबल चलाते थे और कुवैत में भी गए थे, उधर जेपी भी चला रहे थे। अच्छा, लाइसेंस दरअसल बन गया था मेरा, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है ना, जिस दिन मेरा लाइसेंस का मिलने का डेट था उसी दिन कुवैत में लॉकडाउन लग गई। अब लाइसेंस लिए नहीं आप ऐसे ही चले आए ना? कहते 6-7 महीना निकल। अच्छा, नहीं मिला उसके लिए तो मैं 6-7 महीना वहाँ पे रुका, लाइसेंस की वजह से खाली, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा था, बाद में कंपनी सैलरी वगैरह दे नहीं रहा था, इस वजह से आना पड़ गया। तो ये आपका मतलब लाइसेंस का आप मतलब ये सब हो गया था? हाँ, ट्रेनिंग वेनिंग दे दिए थे उसका, मतलब टेस्ट वगैरह सब सब चीज हो गया था। मैं अभी मतलब आपको हैंड ओवर होना था, सब चीज हो गया था, लाइसेंस रेडी। हाँ, मैं जैसे कि चेक भी करवाया हूँ यहीं से, अभी एक बंदा से, तो बोला कि हाँ तुम अपना लाइसेंस बन गया था, ये तुम्हारा अभी जो जनवरी गया ना, इसमें मतलब रिन्यूअल डेट खत्म हुआ है। तो मैं बोला यार जुगाड़ लगा कोई भी हिसाब किताब से, अगर कुछ पैसे कर, अगर खर्चा विचा करके अगर निकलता है तो निकलवा दो। तो बोला नहीं यार, उसके लिए तुमको यहाँ जब कोई आएगा तभी निकलेगा वो लाइसेंस, ऐसे नहीं निकल सकता है। तो मतलब वहाँ से लाइसेंस मांगता है गल्फ का, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब वो लाइसेंस निकल जाए तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, उससे जानते हैं वो, उसके बेस पर रिटर्नर में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई भी कंपनी आपको अच्छी सैलरी भी देगी और मतलब सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि आपको कोई भी बोलेगा कि हाँ ये कुवैत में काम किए हुए हैं, और इनका मतलब रिटर्नर में आप लोग आ जाते हैं ना, एक्सपीरियंस अच्छा माना जाता है लाइसेंस होने की वजह से। ये बात सही है, वही तो मैं बोला, जैसे कि इस लाइन में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मतलब 2010 से गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे भी सेबल ये सब गाड़ी आता है उनको चलाने के लिए, लेकिन अभी मैं सोचा था क्रेन में निकल रहा है, तो कहला सबसे बड़ा मसला जीसीसी लाइसेंस खोज रहा है, और जहाँ लाइसेंस नहीं है वहाँ पे सैलरी इतना कम दे रहा है, चार्जेस ज्यादा बता रहा है, मतलब एजेंट वगैरह से पता कि ऑफिस में तो कर देख ही रहता हूँ। एक चीज आप एक काम करिए कि एजेंट के थ्रू आप अगर कोई भी काम कराएंगे ना, तो क्या होता है ना कि ऑफिस का जो खर्चा होता है वो तो होता ही है, प्लस एजेंट अपना भी उसमें मतलब प्लस कर लेते हैं ना, मतलब वो भी अपना खर्चा उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑफिस से तो उनको कुछ मिलता नहीं है, या फिर वो डायरेक्ट, या फिर वो क्या करेंगे ना, डायरेक्ट ऑफिस को दिला देंगे और ऑफिस से फिर वो ले लेते हैं, लेकिन वो उनका खर्चा उसमें ऐड हो जाता है। तो मतलब आप कोशिश करिए डायरेक्ट ऑफिस से ही अपना काम कराएं, तो मतलब सस्ते में हो जाएगा, मतलब कम खर्चे में हो जाएगा। एजेंट का मतलब कम से कम कितना भी कम अगर एजेंट पकड़ेगा तो 10-20 हजार रुपए अपना मतलब उसमें ऐड करेगा ही, उसका खर्चा चाहिए ही, क्योंकि आपके पीछे काम कराएगा। और ऑफिस का खर्चा क्या होता है, देखिए मैक्सिमम जो खर्चा होता है ऑफिस का ना, 15 हजार के आसपास होता है, लेकिन वो लोग अपना क्या बोलते हैं, अपना ये सब जोड़ लेते हैं उसी में, ऑफिस का चार्ज और क्लाइंट वलाइंट का आना जाना, और क्लाइंट के पीछे जो खर्चा करते हैं वो, मतलब कितना वीजा दे रहा है उसी में मतलब वो लोग ये कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं कि मतलब कितना वीजा मुझे मिला है तो उसके पीछे कितना खर्चा हुआ है, तो उसी पर वो लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा करके वो लोग जोड़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उनका 15-20 हजार रुपए अगर एक आदमी से ले रहे हैं एक वीजा पर, तो उनका मतलब खर्चा निकल जाता है, लेकिन वो लोग अपना ऑफिस का एक रेट फिक्स कर लेते हैं, जैसे कोई ऑफिस वाला 30 हजार फिक्स कर लेता है, कोई ऑफिस वाला 40 हजार फिक्स करके रखा हुआ है, कोई ऑफिस वाला 15 हजार ही लेता है, तो मतलब ऐसे अलग अलग ऑफिस है उनका, अलग अलग अपना ये है। तो और प्लस जो एजेंट होते हैं तो अब वो उनका ऑफिस चार्ज के बाद में एजेंट अपना ऐड कर देते हैं, तो वो उनका ऐड कर देंगे 20 हजार 30 हजार, कोई एजेंट बोलेगा 60 हजार लगेगा, कोई 70 हजार, कोई लाख लाख तक भी ले लेते हैं। कितने मेरे दोस्त लोग मिले हैं, वो लोग 1.5 लाख रुपए भर के आए हैं, जो इधर से मेरठ तरफ के हैं वो लोग, तो वो लोग दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली का ऑफिस वाले ने उन लोगों से 1.5 लाख रुपए लिया है, आप बताइए
जबकि यहाँ से जो कंपनियां भेजती है वो वीजा भेजती है, उनको क्या स्टैंपिंग कराना होता है, स्टैंपिंग का खर्चा ज्यादा ज्यादा 10,000 के अंदर में ही हो जाता है, और टिकट कराना होता है तो टिकट ज्यादातर तो कंपनी इधर से ही सेंड करती है, टिकट भेजती है, और अगर नहीं भेजती है तो ये लोग टिकट कराएंगे तो टिकट का कितना पैसा है आप जोड़ लीजिए ना, जिस समय आना होता है उस समय टिकट का खर्चे के हिसाब से ये लोग बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं। आजकल ये भी बात है एजेंट के ऊपर 99% जो है ना भरोसा कर नहीं सकते, ज्यादातर सब धोखा देता है साला। मैं खुद सऊदी गया था, उसका कुवैत गया, फिर भी मेरे साथ धोखा हो गया। जो एजेंट बोला था वो नहीं मिला, बोला बड़ा कंपनी अच्छा कंपनी, वहां जाने के बाद मालूम पड़ा वो रेंटल कंपनी छोटा मोटा था। मैं बोला चलो अब आ गया है तो 2 साल लगाते हैं कैसे भी लाइसेंस ले, खास करके इसी वजह से गए थे कि लाइसेंस वहां के लेना है, बस लाइसेंस के चक्कर में गए थे। अब सारा किस्मत खराब की लाइसेंस बंद भी किया, सब चीज जिस दिन लेना था उसी दिन लॉकडाउन लग गया, किस्मत खराब था क्या कर सकते हैं, बैड लक हो गया। मेहनत करके आपने सब कुछ किया और लाइसेंस लेने के टाइम में ही आपका मतलब ये होगा लॉकडाउन हो गया। चलिए ये बैड लक तो बहुत लोगों के साथ हुआ है लॉकडाउन में, लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोगों के लाइसेंस अगर मिल गया तो लाइसेंस मिल गया रहता तो इंडिया के कम से कम नहीं हो बेसिक, तो बेसिक सैलरी कम से कम 35,000-40,000 रुपया लग जाता। अभी सर सैलरी इतना कम बता रहे, 1200-1400 बता रहा। अब मैं 2014 में सऊदी में था, उस टाइम में 2000 रियाल पे काम कर रहा था, सेवन चला रहा था। अभी 1200-1400 बताते चलो, अभी मेरा जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे 25,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। अब सर 25,000-26,000 रुपया बाहर का दे रहे तो थोड़ा इसके लिए मैं पीछे हटता था, बोला कम से कम बेसिक सैलरी कम से कम 35,000 भी रहे, ओवर टाइम वगैरह लगा के 40-50 तक भी चला जाए तो ठीक है। देखिए आज के डेट में मैं मतलब मेरे जानकारी में जो लोग भी ऑपरेटर आया है, क्योंकि अभी मेरे बाजू में ही ये कंपनी है तो वहीं पे मतलब एक दो ऑपरेटर आए हैं 2,000 रियाल पर आए हैं, तो उनका लमसम आप समझ लीजिए 2,000 रियाल का मतलब इंडिया का 19 के रेट से आप कम से कम 38,000 के आसपास हो जाएगा, 38,000-40,000 के आसपास हो जाएगा, प्लस फूड अलाउंस है, प्लस अब जैसे हम लोग का जो काम है वो ज्यादातर आरामको का काम है, सऊदी आरामको का, तो सऊदी आरामको पूरा ऑयल फील्ड का काम होता है, रिग पे काम होता है, तो इसमें 12 घंटा ड्यूटी चलता है, तो आपका 8 घंटा ड्यूटी है तो 12 घंटा ड्यूटी करेंगे तो प्लस 4 घंटा हर दिन का ओवर टाइम रहता ही है। तो मान लीजिए 2000 भी अगर सैलरी है और प्लस 4 घंटा ओवर टाइम है तो महीने में फ्राइडे 12 घंटा होता है और 4 घंटा पर डे का ओवर टाइम होता है, तो आपको लेके कैसे भी मतलब 150 घंटे से ऊपर ही हो जाता है, 150 के आसपास तो अच्छा सैलरी बन जाता है। मतलब उनका सैलरी अगर कैलकुलेट किया जाए तो लमसम 2000 भी सैलरी लगा है तो यहाँ पे 3,500-4,000 तक सैलरी हो सकता है, तो 4,000 रियाल का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छा खासा मतलब बन गया इंडिया का। तो अभी नए में मतलब ये रेट कम से कम यहाँ पे मतलब होना चाहिए, सऊदी में अगर जो आ रहा है तो उसको इतना मिलना चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि अभी ज्यादातर कंपनी जैसे हम लोग जो ऑयल फील्ड में काम करते हैं, रिग वाला काम है हम लोगों का, तो रिग का काम है, ऑयल फील्ड का काम है, तो जितना भी ऑपरेटर आ रहे हैं तो कम से कम 2000 बेसिक पे आ रहे हैं। अब अनदर जो जॉब है मतलब और जो कंपनियां हैं तो उसमें जैसे थोड़ा सैलरी कम लगा देते हैं वो लोग, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो वो जो अभी आप आप जो बता रहे हैं तो उसमें फ्रेशर लोग भी आता है कि सिर्फ रिटर्नर ही लेते हैं? अब ये बताइए रिटर्नर इतना कंपनी को कहाँ मिलेगा, बात वही ना। मान लीजिए कंपनी को 50 आदमी का जरूरत है, अब 50 आदमी रिटर्नर उस समय अवेलेबल होना चाहिए ना इंडिया में, जब जिस समय उसको वांट जा रहा है तो उस समय उतना आदमी नहीं मिल पाता है ना, तो फ्रेशर तो उनको लेना है, उनकी मजबूरी है। अब मुझे अब 50 आदमी की जरूरत है, मैं अभी आपको बोलूंगा आप काफी से 50 आदमी मुझे दीजिए, अब आप 50 आदमी कहाँ से सऊदी लाइसेंस वाले या गल्फ लाइसेंस वाले, कुवैत दुबई लाइसेंस वाले कहाँ से इतना ला पाएंगे, क्योंकि बात ये होता है ना कि उस समय कौन यहाँ से एग्जिट गया है या फाइनल गया है या छुट्टी गया है वो अभी दूसरे कंपनी में आना चाहता है तो वही उसी के पास मिल पाएगा ना। अब हर आदमी के पास तो अब गल्फ रिटर्न लाइसेंस तो नहीं मिल पाएगा गल्फों का, तो ये दिक्कत हो जाता है, तो फ्रेशर लेना उनकी मजबूरी हो जाती है, तो उनको भी पता है कि कोई भी जो क्रेन ऑपरेटर है वो अगर इंडिया में भी चलाया है तो यहाँ 2-3 महीना चलाएगा ट्रेनिंग करेगा तो फिर बाद में सेम हो जाते हैं।
और प्लस उनकी कंपनियों को फ्रेशर लाने में फायदा ये होता है कि सैलरी कम देना पड़ता है। अब एक्सपीरियंस वाले आदमी, आप क्रेन चलाए हैं तो आप आएंगे तो अब जैसे 2000 सैलरी में यहाँ पर काम किए हैं या 3000 सैलरी में काम किए हैं, 4000 सैलरी में काम किए, तो 3000 अगर सैलरी में काम किए हैं तो दूसरे कंपनी में आएंगे तो उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे, है कि नहीं? मतलब 3000 किए तो 3500 या 3200 या 4000 आप मतलब चाहिए। हाँ हाँ, तो यही बात है। तो अब नए बंदे को लोगों लाने का मकसद यही होता है कि थोड़ा कम सैलरी में भी आदमी आ जाते हैं और मतलब उनका मतलब काम चल जाता है, क्रेन ऑपरेटर का काम चल जाता है, उनका जो ये वैकेंसी है वो मिल जाती है पूरी। तो मतलब यही है कि अब कि फ्रेशर का भी तो वीजा जा ही रहा है, क्योंकि सऊदी से भी मैं हूँ तो कई लोगों का, कई कंपनियों का, अभी एक एक्सपर्टाइज कंपनी है उसका भी वांट गया हुआ था, एक एमए कंपनी है उसका भी वांट गया हुआ था, ये सब मतलब बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे, ये लोग भी रिगो का ही काम करते हैं, प्लांट का काम करते हैं, तो इन ये सब का भी अभी वांट गया हुआ था। तो मुझे कुछ दिन पहले पता चला तो मैं सोचा कि इन्फॉर्म करूँ कुछ लोगों को, तो जब तक मैं सुना कि अभी इंटरव्यू खत्म हो गया, मुझे अगर ऐसा मालूम पड़ेगा तो मैं उसका ये करता ही हूँ, लेकिन अभी मेन चीज क्या है ना कि जो कंपनियां यहाँ से वांट अगर भेज रही है तो उस समय तुरंत मालूम होना चाहिए, तुरंत मालूम है तो आदमी खबर कर देगा, तो 2-4 दिन 5 दिन टाइम है तो आदमी उस जगह पे कहाँ पे इंटरव्यू होने वाला वहाँ का नहीं पहुँच सकता है। लेकिन हम लोगों को पता चला कि हाँ अभी इंटरव्यू हुआ है ये कंपनी का, तो फिर उस समय बता के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इंटरव्यू हो चुका है, उनको जितने आदमी का जरूरत है वो ले चुके हैं, फिर कोई मतलब नहीं है, वही बात होता है। तो चलिए ठीक है, तो देखिए ना मैं अपना खुद बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस मतलब क्या रहा है नए में, जब मैं नया था उस समय मैं क्या करता था ना कि वहाँ पे एक वांट पेपर आता है, जैसे अब्रोड टाइम, असिगमेंट ऑफ अब्रोड टाइम करके आता है, अभी तो नए में बहुत सारी अभी वांट पेपर आ गई हैं, अभी कुछ चैनल भी हैं जो कि वैकेंसी का ये जो पेपर है इसका वीडियो बना के या पेपर ही खुद अपलोड करते हैं, तो उसमें काफ़ी मतलब उसमें ये होता है कि ट्रेड का भी लिखा होता है, क्या ट्रेड का इंटरव्यू है, डेट भी लिखा होता है, ऑफिस का एड्रेस भी होता है, तो ये सब भी देख के आप लोग डायरेक्ट ऑफिस में मतलब जा सकते हैं। हाँ, बात सही है, आपका बात सही है, लेकिन आजकल वीडियो जो वाला भी आजकल जो है ना बहुत फ्रॉड भी रहता है ना, इसके लिए सब पे थोड़ा मतलब विश्वास करने के लायक भी नहीं रहता है। हाँ, बात बोले वो पेपर वाली बात सही है कि पेपर पे देख के आदमी ये कर सकता है, लेकिन वीडियो आजकल कौन सही है कौन गलत है पता नहीं चलता ना, वीडियो के देख के अंदर बहुत सारा एक भी रहता है। नहीं तो वीडियो में अगर जो पेपर का अगर आ रहा है, जैसे पेपर का ऐड करके वीडियो बनाते हैं ना, उसमें पेपर ही चलता रहता है, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो में कोई कुछ ना उसमें आपको कोई बता रहा है यहाँ पे आइए या ये ट्रेड का इंटरव्यू, ऐसा नहीं बता रहा है, पेपर ही चलता रहता है कुछ। काफी मेरे भी पहचान के एक दोस्त हैं जो कि मतलब ये मतलब ऐड करते हैं, वीडियो बना के डालते हैं वांट का ही, तो उसमें मतलब कोई भी मतलब बात नहीं बोलते हैं ना बताते हैं, बस पेपर ही मतलब उनका चलता रहता है, तो उसमें भी मैं जेन्युइन है, मतलब उसमें भी एड्रेस होता है, डेट टाइम सब लिखा होता है उसमें, तो आप मतलब इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें नंबर होता है, हर ऑफिस का नंबर उसमें दिया हुआ होता है, आप लोग कहीं भी जाएं तो आप पहले उसमें ऑफिस में एक बार कॉल करके बात कर लीजिए ना कि ये ट्रेड का मैं वांट देखा हूँ आपके पेपर में, तो क्या ये ऐसा वांट है, खुद ही बताएंगे कि हाँ ठीक है ऐसा है, खुद अपना एड्रेस आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा ऑफिस है ये, कहाँ पे है, मैं कंफर्म करने के लिए आपके पास फोन किया हूँ, तो वो लोग खुद बता देंगे, आप बोलेंगे ना कि फ्रॉड बहुत हो रहा है ये सब ऐसे में, तो मैं कंफर्म एक बार करना चाहता हूँ कि क्या ये सही है, ऐसा ऐसा वांट आपके ऑफिस में आया है और आपका ऑफिस कहाँ है, तो आप मतलब वो उससे मिला सकते हैं कि मतलब जो बता रहे हैं वो फोन पे वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी तो अगर क्लाइंट आएगा तो आप लोग अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में तो वो क्रेन से रिलेटिव अगर बात पूछ रहा है तो आपको तो समझ में आएगा ना, क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि ये क्लाइंट सही में जेन्युइन है या ना बाहर से आया है हमारे इंटरव्यू लेने के लिए या ऑफिस वाला ही कोई फ्रॉड कर रहा है, तो मतलब इंटरव्यू में ये तो आपको क्लियर पता चल ही जाता है। हाँ,
इतने भी तो आप लोग मतलब ना समझ नहीं है कि आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं कि मतलब ऐसे ही। ज्यादातर सीवी सिलेक्शन वाली जो बात होती है उसमें मतलब फ्रॉड ज्यादा होने का चांसेस रहता है, लेकिन क्लाइंट इंटरव्यू में फ्रॉड नहीं होता है। इसमें अगर वीजा नहीं मिलना रहेगा तो आपको वही डायरेक्ट फोन कर देगा या आपको वही पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पास किया है तो लमसम 90% चांस रहता है कि वीजा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कहीं ऐसा आप ऑफर पर रहे तो बताइए, कोई ऑफर आए आपके पास जानकारी है तो नहीं ऐसे छोड़ दीजिए इस जगह पे। मेरे पास अगर कोई अगर जानकारी आएगी ना, अगर मुझे अगर पता चलेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट ही डाल दूंगा, जो पोस्ट का अगर जैसे एक पोस्ट ही आता है ना तो पोस्ट का मैं फोटो ही डाल दूंगा इंस्टाग्राम पर, तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। वो जो पेपर दिया बोले तो हफ्ता में एक दिन मतलब आता है ना? हाँ हफ्ते हफ्ते में आता है, कुछ पेपर है कि मतलब उसी को रिपीट करते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 बार आता है, लेकिन लमसम लमसम वही रहता है, जो हफ्ते में एक बार निकलता है ना उसी को 2-3 बार मतलब ये लोग दे देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है उस्ताद जी, चलिए ठीक है आपसे बात करके। चलिए अभी ये जो मैं वीडियो आप मुझसे बात किए ये रिकॉर्डिंग है, सही है ना? तो अगर कोई दिक्कत, अगर इंटरनेट पे आया तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि हो सकता है कि जो आप मुझसे बात किए हैं, जो बात किए हैं ये मतलब कुछ और लोग भी मतलब मन में चलता रहता है ना कि ये कैसे करें वो कैसे करें या ऐसा वैसा, तो मतलब ये होता है कि देखने से मालूम पड़ जाता है कि मैंने कई लोगों का सवालों का जवाब हम ही लोग की बातों में ही मिल जाती है कई लोगों को, है कि नहीं? हम लोग क्या बात कर रहे हैं वही उससे ही रिलेटिव बात होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है, आप अगर नेट पे डालते हैं तो मेरे बात जो आप दोनों आदमी हम लोग कर रहे हैं इससे दूसरे को भी समझ में आएगा क्या है, नहीं है कि क्या क्या मतलब हो सकता है, कैसे क्या करना है। कितने नए लोग हैं, आप तो मान लो रिटर्नर हैं तो आपको जैसे पता है कि मतलब आप रिटर्नर हो के भी आपको मतलब थोड़ा परेशानी फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसा मतलब नए लोगों को भी परेशानी फेस करना पड़ता है, तो वो लोग पहले ही घबरा जाते हैं, यार अभी हमारा हो ही नहीं रहा है कैसे होगा। यार उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि रिटर्नर भी मतलब कभी कभी मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको भी थोड़ा टाइम लगता है, करना पड़ता है। हाँ तो ये है कि मतलब आप लोगों से मतलब बात कोई देखेगा तो उनको भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगा कि चलो भाई बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप काम सीखे हैं तो हुनर आपके पास है, हुनर आपसे कोई नहीं ले सकता है, जिंदगी भर आपके पास रहेगा, लेकिन यही है कि आप प्रयत्न करते रहिए। आप एक जगह कहीं गए और वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है तो वो लोग क्या करें? मेहनत के लिए परेशानी होता है लेकिन सफलता जरूर मिलता है। तो निराश मत होइए, कोई भी आदमी निराश ना हो मतलब अपना प्रयास करते रहे, ठीक है ना? ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके चलिए, थैंक यू।